Hi kids, Hi sir, how are you? I am fine, thank you. Track 2, गंगोत्री. गंगोत्री कौन से जिले में है? उत्तरकाशी. उत्तरकाशी में, ठीक है, हमारे उत्तराखंड में. The students of class 12th are going on a track to गंगोत्री. Class 12th के मतलब 12 क्लास के कुछ बच्चे कहाँ जा रहे हैं ट्रैकिंग पे? गंगोत्री. They have to pack their bags for 6 days and keep them light. They also have to take things That don't take too much space. अब वो क्या कर रहे हैं, उनको जो सामान ले जाना है वो कितने दिन के लिए जाना है, कितने दिन का ट्रिप है ये? Six. Six days का ट्रिप है. और उनको जो अपना सामान है वो क्या करना है, बहुत ही हल्का ले जाना है. क्यों? क्योंकि उनको कहीं उसको उस सामान को लेके चलना है, पहाड़ पे चलना है या पैदल चलना हो सकता है, इसलिए उनको सामान कम से कम कोशिश करनी है कि हल्का ही उनका बैग हो. सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट. तो वो बोल रहे हैं कि उनके पास जो सामान होना चाहिए उसका साइज भी कम होना चाहिए और वेट भी क्या होना चाहिए, कम. After all, they will carry their own bags while climbing the mountains. अब वो बोले जब वो पहाड़ों पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे होंगे तो उनको वो जो बैग्स होंगे अपने खुद ही ले जाने होंगे. Then even they even dry the onions and tomatoes to make them light. 1 kg of onions and tomatoes becomes 100 g when the water inside dries up. वो क्या बोल रहे हैं कि उनको अपने साथ क्या ले जाने हैं, अनियंस मतलब प्याज और टोमेटोज भी उनको अपने साथ लेके जाने हैं. तो वो क्या करेंगे कि वो 1 किलो टमाटर या प्याज लेंगे और उनको सुखा लेंगे, जिसके बाद वो कितने हो जाएंगे, 100 ग्राम. अब देखो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000. 1000 होते हैं, 1000 ग्राम बराबर कितना, 1 kg. अब वो बोल रहे हैं कि जब 1000 ग्राम को वो सुखा देते हैं तो वो कितना बन जाता है, 100 ग्राम. 100 और 1000 में क्या रिलेशन है, आगे की संख्या नहीं, 100 को गुणा या भाग देके 1000 आ सकता है क्या? 100 को किससे गुणा करेंगे 1000 आ जाए? 10 से. वेरी गुड. 100 को हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000. इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, 10 गुना क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है. जब हम सुखा रहे हैं उसको, 1 kg को सुखा रहे तो 100 ग्राम बन जा रहा है. इसका मतलब वो 10 ग्राम क्या हो गया, 10 गुना क्या हो गया, कम हो गया. अब देखो द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर वन डे. एक दिन के लिए जो सामान वहाँ यूज करने वाले हैं वो लोग, वो है राइस, वो यूज करने वाले हैं 100 ग्राम, फ्लूर या आटा वो यूज करने वाले हैं 100 ग्राम, और पल्स जो यूज करने के लिए 1/3 द वेट ऑफ द राइस एंड फ्लूर. ठीक है, वेट ऑफ राइस एंड फ्लूर, द वेट ऑफ राइस एंड फ्लूर मतलब 100 ग्राम इसका और 100 ग्राम इसका. तो 100 और 100 कितना हो गया, 200. तो 200 का हमको क्या निकालना है, 1/3, मतलब 3 का हमको क्या देना पड़ेगा उसमें, भाग. ठीक है, तो कितना हो गया, 3 × 6 = 18, 10 × 8 = 2, 20 × 3 = 18, और ये ऐसे ही आता रहेगा. 66.66 क्या यूज करेंगे वो, दाल. 66.66 ग्राम दाल यूज करेगा कौन, एक बच्चा. ऑयल अगर यूज करेंगे 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, टी अराउंड 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम, सॉल्ट 5 ग्राम, ड्राइड ओनियंस 10 ग्राम एंड ड्राइड टोमेटोज 10 ग्राम. अब देखो ड्राइड ओनियंस वो 10 ग्राम यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये जो प्याज या टमाटर थे जब ये सूखे हुए नहीं रहेंगे तो कितने रहे होंगे, 10 ग्राम है ये, वो 100 ग्राम था. कितने का फर्क पड़ना था, 10 गुने का ना, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें तो गुना करना पड़ेगा. हाँ, इसका मतलब जब ये सूखे नहीं होंगे तो कितने ग्राम थे, 100 ग्राम, और ये भी कितने थे, 100. अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब देखो फॉर 6 डेज ईच पर्सन विल नीड राइस एंड फ्लूर. अब वो बोल रहे हैं राइस एंड फ्लूर दोनों मिला के कितने यूज कर रहे थे वो, 200 ग्राम, और 6 दिन के लिए कितने लग जाएंगे फिर वो, 1200 ग्राम. पल्सेज, दाल कितनी लग रही थी, 66.66, तो 6 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करो, गुणा 6 × 36 = 3 39, 6 × 36 = 3 39, और 6 × 36 = 3 39. 399.96 मतलब लगभग कितना हो गया ये, 400. इसमें तो सिर्फ 4 ग्राम कम है ना, तो लगभग कितना हो गया ये, 400 ग्राम. ड्राइड अनियंस, सूखे हुए जो प्याज है वो कितना यूज करेंगे, 6 दिन के लिए, एक दिन. ड्राइड अनियंस ना 60 ग्राम. वेरी गुड, 10 ग्राम था ना, तो 60 ग्राम हो गया. हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल. अब वो बोल रहे हैं जो फ्रेश टोमेटोज है मतलब जो बिल्कुल ताजा जो टमाटर हैं, कितने ताजा टमाटर उनको सुखाने चाहिए 6 दिन के लिए 10 लोगों के लिए, 1 किलो 60
नहीं, 6 किलो। देखो ध्यान से सुनो पहले, हाँ, 100 फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल। पहले तुम एक दिन का सोचो, एक दिन में वो कितने टमाटर यूज कर रहे थे? 10 ग्राम। एक दिन में वो 10 ग्राम यूज कर रहे हैं, और कितने दिन के लिए? 6 डेज के लिए। कितना हो गया? 60 तो ये हो गया। ये कितने लोगों, कितने, ये तो एक आदमी का है। अब इसको अब किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से 10 गुना था ना, तो 600 ग्राम टमाटर तो कितने आदमियों का है? ये 600 ग्राम फ्रेश टमाटर उनको यूज करना पड़ेगा। ये कितने लोगों के लिए है? एक आदमी के लिए है ये, तो 10 लोगों के लिए कितना होगा? क्या करना पड़ेगा फिर से? 10 गुना तो कितना हो गया? 6000 ग्राम। या 6000 ग्राम को हम और क्या लिख सकते हैं? 6 किलो 6 kg भी तो लिख सकते हैं। समझ आए? वो बोला था ना कि हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड अप फॉर 6 डेज। मतलब एक दिन में हम कितना सुखा रहे थे टमाटर? 100 ग्राम टमाटर तो सुखा रहे थे हम, तो 6 लोगों के लिए कितना हो गया? 600। और 10 लोगों के लिए, 6 दिन के लिए तो 600 हो गया, और फिर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए 6000 हो गया, या 6 किलो। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड इन ईच पर्सन बैग? तो इन सबको जोड़ना, इन सबको हमको क्या करना था? टोटल करना था। जोड़ो, 100 200 200 340 350 390 395 405 415 415 तो ये हो गया। क्या ग्राम है ना ये? देखो, 100 200 300 40 50 90 95 और 405 और 415, और ये कितना था? 66.66 कितना हो गया ये? 66 हो गया। 6 5 11 6 7 1 8 और ये हो गया 4 481.66 ग्राम। एक बच्चा अपने साथ ले जा रहा होगा सामान, एक दिन का है ये, एक दिन का है, यहाँ वन डे लिखा था ना, तो इसका मतलब 6 दिन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से गुणा, तो वो पूरे मतलब पूरी ट्रिप का खाना इतना ले जाना उन्होंने अपने साथ। समझ आई?